देखते हैं पुअर मैन, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में ऊपर, पुअर मैन इट वॉज इन आनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। वो लड़का बोलता है कि ये जो है ना उनके सम्मान में, क्योंकि उनका लास्ट लेसन है इसलिए है, सब लोग गांव वाले स्कूल में आए हैं, उनकी क्लास में बैठे हैं, और जो उनका टीचर है वो भी क्या है संडे क्लॉथ जैसे फाइन कपड़ा पहना हुआ है, अब मेरे को ये सब समझ में आ गया, ऐसे करके लड़का बोल रहा है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, और वो लोग क्या है अपना सॉरी दिखाने के लिए आए हैं, सॉरी उनको फील हो रहा है, दुख हो रहा है उन लोगों को, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि अब वो स्कूल और नहीं जा सकते, क्योंकि फ्रेंच के जो लेसन है ये लास्ट लेसन है। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। तो गाँव वालों का तरीका है कि लोग अपने मास्टर के प्रति अपना जो है थैंकफुल हैं लोग, और जो उनके जो टीचर है MML वो क्या है 40 साल तक क्या है लगातार सेवा दिए है उस गांव में उस जगह में, तो इसलिए क्या है गाँव वाले इकट्ठा हुए हैं उनको धन्यवाद देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी अवेल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। वो लड़का ये सब चीज़ के बारे में सोच ही रहा था तो आगे बोलता है आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, कि इसको क्या इसका नाम सुनाया जाता है, इसका नाम पुकारा जाता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब इसका पारी रहता है, इसका भारी रहता है उसको दोहराने के लिए जब पढ़ाई हो रहा है उसमें। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle? ये लड़का आगे बोलता है कि मुझे पार्टिसिपल का कुछ भी नहीं आता है, और बहुत ही ड्रेडफुल रूल है उसका, वेरी लाउड एंड क्लियर, जिसको क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से और क्लियर और विदाउट वन मिस्टेक, यानी बिना कोई गलती की क्या है उसको बोलना था पार्टिसिपल के बारे में, ग्रामर का है पार्टिसिपल। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, ये लड़का आगे बोलता है कि मैं तो पहले ही जो शब्द है उसको ही मिला डाला, मतलब बोल नहीं पाया ढंग से और खड़े रहता है चुपचाप वहीं। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेस्क को पकड़े रहता है और इसका जो हार्ट है बीटिंग करता रहता है, जोर जोर से धड़कते रहता है, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की इसका हिम्मत नहीं होता है। आई हर्ड MML से टू मी आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बेड इनफ, इसको सुनाया जाता है कि जो MML टीचर है वो बोलते हैं इसको आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बेड, तुमको क्या है बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई विल लर्न इट टुमारो, और टीचर आगे बता रहे हैं समझा रहे हैं कि जैसे रोज हम बोलते हैं अपने आप को कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, इसको क्या है मैं कल सीख लूँगा। नाउ दोज फेलोस आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। आगे इनके जो टीचर हैं MML वो बोलते हैं कि अब जितने ही बाहर के लोग हैं जो बाहर बैठे हैं उनको क्या है बोलने का, तुमको बोलने का हक है, तुम्हारे ऊपर बोलने का उनको हक है। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम क्या है फ्रेंच मैन होने का प्रिटेंड करते हो, बहाना करते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपने जो खुद का लैंग्वेज है उसको क्या है ना लिख पाते हो ना बोल पाते हो, तो किस चीज़ के लिए तुम फ्रेंच मैन हो, ऐसा करके वो टीचर समझा रहे हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतना भी ख़राब नहीं हो, ऐसे बोलते हैं टीचर, पुअर लिटिल फ्रेंच वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विथ, टीचर आगे बोलते हैं कि हम लोगों को क्या है
वी ऑल हैव ए ग्रेट डील, हम लोग भी इसको समझना पड़ेगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एनजियस इनफ टू हेल्प यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं माता पिता हैं वो लोग क्या है, एनजियस नहीं है पढ़ाई के प्रति, चिंतित नहीं है तुम्हारी पढ़ाई के प्रति। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। वो आगे बोलते हैं टीचर कि तुम्हारे जो घर वाले हैं तुमको क्या है पढ़ाई के बजाय खेत में या मिल में काम करने के लिए भेजते हैं ताकि वो लोग क्या है कुछ पैसे कमा सकें। एंड आई अब एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, वो बोलते हैं कि हाँ और मैं भी इसमें क्या है दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूअर लेसन्स एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। आगे टीचर बोलते हैं एम हेमेल कि मैं भी दोषी हूँ और मैं भी क्या है तुमको क्या है फ्लावर्स में पानी डालने के लिए नहीं भेजा हूँ पढ़ाई करने के बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, अब मेरे को जब भी फिशिंग करने के लिए जाना होता था तो मैं क्या छुट्टी नहीं देता था तुम लोगों को, ऐसे करके बोल रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. आगे बताते हैं टीचर की एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, अब क्या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करें टीचर एम हेमेल सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो बोलते हैं कि यह दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ही क्लियरेस्ट क्लियर रहता है, लॉजिकल लैंग्वेज है, तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट, इसको क्या है हमको हमेशा सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, इसको कहीं भूलना नहीं है, बिकॉज वेन ए पीपल आर इन्स्लेप्ड, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इंस्लेव होता है गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, एज लॉन्ग एज यानी जब तक कोई व्यक्ति अपना ओन लैंग्वेज जानते रहता है तो क्या है वो उसके समान, उसके लिए क्या है किसके समान है, की के समान है, उसके प्रिजन के लिए की के समान काम करता है उसके खुद का लैंग्वेज। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. लड़का एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है कि कैसे मैं इतना मेरे को अच्छा समझ में आया। अब लास्ट लेसन है तब समझ में आ रहा है इसको, इतना दिन से क्या है पढ़ाई नहीं करता था। All he said seemed so easy, I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. आगे लड़का बोलता है कि सब कुछ मेरे को इजी लग रहा है, इजी लगा आज का लेसन और मैं बहुत ज़्यादा समझा, अब इतना जो केयरफुली से मैं कभी सुना नहीं था ऐसे करके बोलता है, और इतना अच्छे से जो टीचर है वो भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पुअर मैन है, पुअर मैन मतलब वही टीचर के बारे में बोल रहे हैं एम हेमेल के बारे में, वॉन्टेड टू गिव आज वो क्या है देना चाहते हैं सब कुछ, क्या है जितना ही हमारा पढ़ाई है सबको कहे क्या है आज ही वो पढ़ाना देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे दिमाग पूरा एक ही बार में क्या पूरा सब कुछ भर देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन, आफ्टर द ग्रामर After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hemel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. उस दिन जो M. Hemel टीचर है वो क्या लाए थे,
ब्यूटीफुल वो कपिला थे जिसने ब्यूटीफुल तरीके से राउंड राउंड तरीके से किया है, फ्रेंड्स एल्सास ऐसा लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और देखने से उसको ऐसा लगता था कि स्कूल रूम में पूरा फ्लोटिंग हो यानी बह रहा है, बहने का मतलब यहाँ पे हवा से है। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप देख सकते हो कि सब क्या है सेट यानी कि सब लोग अपने काम में सेट हुए यानी कि काम कर रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, एकदम सब शांत हैं यानी सभी बच्चे लोग बैठे हैं, गांव के लोग सब बैठे हैं लेकिन एकदम शांत है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर, एक ही साउंड आता है जो छोटे छोटे बच्चे क्या है स्क्रैच करते रहते हैं पेपर में पेन से। वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलिस्ट वन वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच। एक बार क्या है जो बीटल्स फ्लू है यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर आ जाते हैं क्लास के अंदर, लेकिन कोई भी इसमें क्या है अटेंशन नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। नॉट इवन द लिटलिस्ट वन यानी जो छोटे बच्चे हैं वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो लोग क्या है अपना ट्रेसिंग करते रहते हैं, फिश हुक्स बनाते रहते हैं कापी में। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत में भी क्या है ऊपर में जो पिजन्स है कबूतर है वो भी क्या है धीरे से क्या है अपना आवाज़ निकालते हैं हम लोग। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, वह लड़का सोचता है आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो लोग क्या है जो पिजन्स को भी क्या है जर्मन में गाना सिखाएंगे, ऐसे करके वो लड़का बोलता है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ये क्वेश्चन रहता है ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो लड़का बोलता है क्योंकि वो लोग क्या वो लोग पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे जर्मन गाना। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग दैट देन इट अनदर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी वो लड़का लिखते रहता था जब भी उसके बाद लिखने के बाद ऊपर देखता था तो एम हेमेल को देखता था टीचर अपने टीचर को मोशनलेस बैठे रहता है एकदम एकदम शांत इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक के बाद एक चीज़ों को क्या है वो घूमते रहता है। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ऐसा लगता था देखने से क्योंकि अपने दिमाग में सब चीज़ को क्या है फिक्स कर डालना चाहता है, पूरा सब याद कर लेना चाहता था। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, ये सब फैंसी यानी शानदार होता है, ये सब क्या है शानदार है क्योंकि 40 साल तो लगातार एक ही जगह सर्विस करना काम करना। विथ हिज गार्डन उसके जो गार्डन है वो भी क्या है लगा था इस उनके क्लास से, तो ये सब चीज़ क्या है फैंसी लगता है इसको। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जो क्लास है क्लास के पीछे क्या है गार्डन है ठीक है, ये सब क्या है उसी समान है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न, तो कुछ भी नहीं बदला है, सब बोल रहे हैं कि जो गार्डन है वहाँ पे है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उनका जो क्लास जहाँ लगते हैं वहीं पे है मात्र, जो क्या चेंज हुआ है ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, जो बेंच है थोड़ा सा घिस गया है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, जो वॉलनट ट्रीज है अखरोट का क्या है थोड़ा सा बड़ा हो गया है टाल हो गया है ऊँचा हो गया है। एंड द होप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो होप पॉइंट है अंगूर का जो बेल है क्या है जिसको कौन लगाया था प्लांटेड हिमसेल्फ यानी कि जो टीचर है एम हेमेल उसे हम लगाए थे वो भी क्या है एकदम बड़ा हो गया है डबल हो गया है और विंडो से कहाँ रूफ तक पहुँच गया है। हाउ इट मस्ट हे ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, तो ये सब चीज़ को छोड़ के जाना है लगातार 40 साल की जगह रहना और हर चीज़ को छोड़ के जाना ये कितना क्या है उसका हार्ट को ब्रेक करने वाला ये चीज़ है। उनकी जो सिस्टर है वो क्या है मूविंग एयर में सामान को पैक कर रही है पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे,
अगले सुबह क्या है, लोग अपना ये जो कंट्री है इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके पास करेज है, साहस है कि सभी लेसन को क्या है शुरू से आखिर तक वो हियर कर सके, देख सुन सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। हिस्ट्री के बाद इनके जो है कौन सा राइटिंग के बाद कौन सा आता है, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के ऊपर लेसन आता है। एंड देन द बेबीज चैंटेड, छोटे छोटे बच्चे हैं लोग जो दोहराते हैं बा बेबी बो बू डाउन देयर आर देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टस एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विद देम। जो ओल्ड हाउसर है वो क्या रखते हैं, हेड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, अपना जो चश्मा है उसको नीचे रखते हैं, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और प्राइमर जो बुक होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को जैसे कि ए बी सी डी ये सब सीखने का वो रहता है, उसको दोनों हाथ से पकड़े रहता है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो स्पेल्ड करते रहते हैं लेटर्स को, ठीक है, अक्षर को। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वो अभी क्या है क्राइंग कर रहा है। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विद इमोशन, उनका जो वॉइस है इमोशन के साथ कहाँ पर है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनने में फनी भी लग रहा है। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, यानी हम सब चाहते हैं हंसना और रोना। आ हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ये सब चीज़ क्या होता है जब जो चर्च की जो घड़ी है उसमें 12 बज जाता है। देन द एंजल्स, उसके बाद क्या होता है, एंजल्स मतलब होता है प्रेयर। एट द सेम मोमेंट, उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, जो पर्सियन के जो सैनिक है रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपना ड्रिल से वापस आते रहते हैं, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, ये लोग क्या है उनको विंडो के थ्रू उनको सुनते हैं। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, जो एम हेमल है एकदम सीधा खड़ा हो जाते हैं। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, अभी लड़का आगे बोलते हैं कि मैं उनको इतना कभी लंबा नहीं देखा हूँ। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन। ये कौन बोलता है, टीचर बोलता है एम हेमल, माई फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे मित्रों। आई बस बोलता है, आगे नहीं बोल पाता है क्योंकि एकदम ज़्यादा ये इमोशनल हो चुका है। ही कुड नॉट गो ऑन, बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये छोड़ के जा रहे हैं तो एकदम ये उदास हो गया है, इमोशनल हो गया है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड टू के पीस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिस माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होता है, टर्न करता है और चाक का एक टुकड़ा लेता है और क्या लिखता है, एकदम जोर से लिखता है, क्या लिखता है, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा हो सके और जितना ताकत लगा कर क्या लिखता है, विवा ला फ्रेंड्स। विवा ला फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अज विथ हिज हैंड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। फिर वो क्या है, दीवार में लिंड यानी एकदम अपना सिर को टिका खड़ा हो जाता है और बिना कोई शब्द कहे ही मेड ए गेस्चर, वो ऐसा गेस्चर हाव भाव बनाते हैं, टूवर्ज विथ हिज हैंड हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल जो है डिसमिस्ड हो चुका है, यू मे गो, आप जा सकते हो, आप लोग जा सकते हो। तो ये है लास्ट लेसन, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइटल का जो है लेसन का नाम द लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि इसमें जो फ्रेंच जो लेसन है, फ्रेंच लैंग्वेज है, उसका क्या है लास्ट लेसन था, अब वहाँ पे क्या है जर्मन भाषा पढ़ाएंगे।